वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो नोटिफिकेशन है, यह जो विज्ञापन है, द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से निकला हुआ है और इसमें लिखा हुआ है, नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्संस इन स्पोर्ट कोटा इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। यानी कि इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का ये वैकेंसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, जो कि ग्रुप सी की बहाली है। इसमें लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट विल बी मेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट मैन, फुटबॉल मैन, हॉकी मैन, बैडमिंटन मैन एंड वुमेन एंड टेबल टेनिस मैन एंड वुमेन। और क्लोजिंग डेट 2 अक्टूबर 2021 से 30 दिन तक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के जॉब नोटिफिकेशन का वीडियो आगे भी लेकर आते रहता हूँ। तो नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है, गुवाहाटी में क्रिकेट 1 फास्ट बॉलर, 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर, फुटबॉल 1 डिफेंडर एंड 1 मिडफील्डर, बैडमिंटन 2 मेल। रांची में फुटबॉल 3, बैडमिंटन 2 मैन। शिलोंग फुटबॉल 1 डिफेंडर और 2 स्कीपर, 3 मेल। इम्फाल बैडमिंटन 1 मेल, कोहिमा बैडमिंटन टेबल टेनिस 1 फीमेल। तो इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट रीजनल ऑफिस में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है। तो आप इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें और देख लें किस स्पोर्ट्स में कितना सीट है। अब एलिजिबिलिटी को देखते हैं, तो एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और कंट्री इन नेशनल सीनियर जूनियर कैटेगरी और इंटरनेशनल कंपटीशन सीनियर जूनियर कैटेगरी इन एनी गेम स्पोर्ट्स मेंशनड एट सीरियल नंबर 1 अबव। यानी कि सीरियल नंबर 1 अबव में कोई भी स्पोर्ट्स में नेशनल या फिर कंट्री लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पे सीनियर जूनियर में खेला हुआ होना चाहिए सर्टिफिकेट। दूसरा है, स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड देयर यूनिवर्सिटी इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड इन एनी गेम स्पोर्ट मेंशनड एट सीरियल नंबर 1 अबव। यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी जो गेम होता है उसमें भी सर्टिफिकेट है तो एलिजिबल है। पे स्केल की बात करते हैं, तो ऑडिटर अकाउंटेंट के लिए 2800 ग्रेड पे, क्लर्क डाटा एंट्री ऑफिसर के लिए 1900 ग्रेड पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर का डिग्री होना चाहिए। क्लर्क डाटा एंट्री ऑफिसर के लिए 12th पास और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट के बाद टाइपिंग टेस्ट भी पास करना होगा। और ऑडिटर और अकाउंटेंट के लिए डिपार्टमेंटल जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा वो पास करना होगा 2 साल के अंदर। एज की बात करते हैं, तो ऑडिटर और अकाउंटेंट, क्लर्क और डाटा एंट्री ऑफिसर सबके लिए 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। एप्लीकेशन को भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जो परफॉर्मा ए है उसको पूरा भरने के बाद उसमें सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स का और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगाने के बाद आपको जो कंसर्न रीजनल ऑफिस है, नोडल ऑफिस है, वहाँ पर भेजना होगा। फाइनल सेलेक्शन विल बी डन ऑन बेसिस ऑफ फील्ड ट्रायल मार्क्स एंड मार्क्स अवार्डेड फॉर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट। और फाइनल जो सेलेक्शन लिस्ट है वो पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट में जो मार्क्स आपको मिला है उससे किया जाएगा। फिटनेस टेस्ट में जो 40% से कम मार्क्स लाएंगे उन्हें स्किल टेस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। और लिखा हुआ है, आपको अटैच करना होगा 2 सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप, साइज 27 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर, दोनों में स्टाम्प लगा हुआ। और एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर बाय हैंड आपको पहुंचा सकते हैं नोडल ऑफिस को। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप विजिट करें www.cag.gov.in, फिर क्लिक करें कॉन्टैक्ट अस, फिर क्लिक करें रिक्रूटमेंट नोटिसेस, फिर क्लिक करें स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड एनेक्सर्स। तो यदि आपको ये वीडियो काम की लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।